हाँ जी गोला नहीं जानते क्या चीज आ गया हाँ गोला क्या है वो नहीं जानते। अरे बताओ भाई झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र दिखाया गया है और वो गोले के ऊपर बैठे हुए हैं, वो गोला क्या चीज है? हैं? पृथ्वी है, दुनिया है। शंकर द्वारा क्या होता है? गायन है, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन शंकर तो नहीं कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश होता है कि शिव की शक्तियों द्वारा विनाश होता है? असुर संहारिणी देवियां गाई हुई हैं, देवियों के द्वारा सारी सृष्टि का विनाश होता है, पापों का विनाश होता है, विधर्म और विधर्मियों का विनाश होता है। फिर शंकर को क्यों कंट्रोलर के रूप में ऊपर बैठाई दिया? मुरली में तो बोला है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ करता है क्या? भागदौड़ करता है? हैं? दुनिया का जब विनाश होता है तो भाषणबाजी करता है? हैं? भाषणबाजी भी नहीं करता। कोई कहे चलो जब दुनिया का विनाश होता है तब भले भाषणबाजी नहीं करता है, लेकिन उससे पहले तो करता होगा। हैं? अरे दुनिया का विनाश होने से पहले तो करता होगा या नहीं करता होगा? अरे चुप, करता होगा कि नहीं? करता है। अच्छा शंकर विनाश करता है? बाबा ने कहा शंकर कुछ करता ही नहीं, और ब्राह्मण बच्चे कहते हैं शंकर है भाषणबाजी करता है। मुरली में बोला है प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। क्या शंकर पतित है या शंकर पावन है? हर्ष का पाप करने वाला मनुष्य है या फरिश्ता है? हैं? फरिश्ता है। फरिश्तों को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पावन कहेंगे। तो ये बात तो झूठी है क्या कि शंकर भाषण करता है? जो भी दुनिया में चित्र बनाए जाते हैं देवताओं के, देवियों के, वो संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्थिति की यादगार है? संपन्न स्टेज की यादगार है। तो प्रजापिता में ये सब प्रजापिता को 500 करोड़ का बाप कहा जाता है, 500 करोड़ की दुनिया को पतित कहेंगे
या कुछ अंश पावन कहेंगे है, सारी दुनिया पतित है। अगर उनमें से एक भी है जो पतित नहीं है, पावन है, तो प्रजापिता को दुनिया का बाप कहेंगे है, 500-700 करोड़ का बाप है या 2-4 कम का बाप है, सारी दुनिया का बाप है, 500 करोड़ का बाप है, तो सारी दुनिया जब तक पतित अवस्था में सृष्टि पर मौजूद है तब तक अंत तक बाप का पार्ट है। बाप माने जो सारी प्रजा का पिता है, प्रजापिता पतित को कहा जाता है। शंकर को पतित नहीं कह सकते, माने संपूर्ण स्टेज का पार्टधारी अलग है और पतित स्टेज का पार्टधारी अलग है। जो संपन्न आत्मा बन जाएगी उसको मुख से बोल बोल करने की दरकार रहेगी कि संकल्प मात्र से ही कार्य संपन्न करेगी, संकल्प सिद्धि होगी या नहीं होगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा का ऐसी स्टेज होने के कारण संकल्प ही ऐसा परिपूर्ण होगा, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या, इस दुनिया की प्राप्ति की कोई भी इच्छा उसको नहीं होगी। इसलिए हर इच्छा हर संकल्प में परिपूर्णता भरी हुई होने के कारण एक संकल्प करने मात्र से ही विनाश होगा, और संकल्प के लिए इंद्रियों को यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। इंद्रियों को यूज नहीं किया जाता, इंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है या बिना इंद्रियों के भी पार्ट बजाया जाता है, है? इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। शंकर के जितने भी परिपूर्ण स्टेज के चित्र हैं वो मोस्टली याद में बैठे हुए चित्र हैं, और याद करने के लिए कोई भी इंद्रिय की जरूरत, पार्ट बजाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ संकल्प मात्र करता है, और जो शिव की शक्तियां हैं वो शक्तियां कार्य स्वरूप में संपन्न कर देती है। इसलिए शंकर अलग है जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठाया गया है। ऊपर का मतलब सर्वोपरि स्टेज है, वो सारी दुनिया का कंट्रोलर है। कि कोई एक दो आत्मा ऐसी है, उस समय ऐसी आत्मा कोई ऐसी होगी जो उसके कंट्रोल से बाहर हो, और अगर मनुष्य सृष्टि की एक दो आत्मा भी कंट्रोल से बाहर हो तो उसको विश्वपिता कहेंगे है? नहीं कहेंगे, वो तो विश्वपिता का पार्ट बजाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। सारे विश्व की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबकी नाक में नकेल डाल देता है। नाक माने जो बैल को नाक होती है, सारे विश्व का कंट्रोलर है। इसलिए पृथ्वी का चित्र नीचे दिखाया गया है और उसके ऊपर शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया है। और
राजा, हाँ जी, विनाश होने के बाद आधी पुण्यात्मा और आधी पापात्माएं बचती है। आत्माएं तो होंगी ना, जब विनाश होगा या विनाश संपन्न हो जाएगा तो आत्माएं बचेंगी या जीवात्माएं बचेंगी? आत्माएं तो बचेंगी ना। तो जो पुण्य आत्माएं जिन्हें कहा जाए वो जीवात्मा के रूप में कहे जाएंगे या पापात्मा के रूप में कहे जाएंगे? हैं? अरे हम पुण्य आत्माओं की बात पूछ रहे, जो जो प्रश्न किया ना, जब विनाश होगा तो आधी पुण्य आत्माएं और आधी पाप आत्माएं बचेंगी। तो जो पुण्य आत्माएं बचेंगी वो जीव आत्माएं होंगी या सिर्फ आत्माएं होंगी? है, जीव आत्माएं होंगी। और जिनका विनाश के टाइम पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण शरीर छूट चुका होगा, हाय हाय करके मर चुकी होंगी, अंतमते सो गते, दुख की स्टेज में शरीर छोड़ेंगी या सुख पुण्यात्मा की स्टेज में शरीर छोड़ेंगी? दुख की स्टेज में शरीर छोड़ देंगी तो वो आत्मा बनेंगी। कौन सी आत्मा? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा। वो सात सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होती रहेंगी। परम धाम तो कोई जा ही नहीं सकता बिना गाइड के। जाड़ के चित्र में क्या दिखाया हुआ है? महाविनाश हो रहा है और आत्माएं बिंदी बिंदी ऊपर जा रही हैं। फिर कोई गाइडेंस करने वाला गाइड साकार में होगा या निराकार में? कोई गाइड जरूर चाहिए, वो इस रंगमंच पर मौजूद रहेगा। और अंत तक गाइड करेगा। सूक्ष्म वतन से होते हुए ही मूल वतन में जाना पड़े। प्रश्न था, आखिरी जब विनाश होगा तो इस सृष्टि पर आधी पुण्यात्माएं और आधी पापात्माएं बचेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रमाला भी होगी और विजयमाला भी होगी, वो दोनों मालाएं अंत तक कार्य करेंगी। विजयमाला वाले जो मन के रूपी आत्माएं हैं वो ज्यादा पाप करती हैं, यह रुद्रमाला के मन के ज्यादा पापात्मय है। तो पापात्मय रहेंगे क्योंकि आखिरी कार्य त्रिमूर्ति में, त्रिमूर्ति का कार्य है ना, तीन कार्य हैं या एक ही कार्य है? तीन कार्य हैं। आखिरी कार्य क्या है? विनाश। तो जो विनाश होता है वो
अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? है? अपवित्रता से होता है विनाश। अपवित्रता कोई करता रहे और चाहे कि हमारे घर में परिवार में सुख शांति आ जाए और परिवार में व्यभिचार भी पैदा करता रहे तो आ जाइए, नहीं आ सकते। ये दुनिया भी एक कुटुंब होगी, अपवित्रता से होगा उस समय विनाश। वो लास्ट कार्य करने के लिए कौन बचेंगे? रुद्रमाला के मण के बचेंगे या विजयमाला वालों की जरूरत है? हैं? किसकी? विजयमाला की जरूरत है, रुद्रमाला के मणकों की जरूरत है। खास कार्य करने के लिए, विनाश का कार्य करने के लिए वो अलग होंगे और स्थापना का कार्य करने के लिए पुण्य आत्माओं की जरूरत है या पापात्माओं की जरूरत है? पुण्य आत्माओं का जखीरा ही अलग होगा। इसलिए इसी सृष्टि पर दो धाम होंगे साकार में। यमुना के कंठे पर बताया सुखधाम बनेगा और तुम बच्चे, सुखधाम वाले बच्चे नहीं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। किस लिए उतार लेंगे? है? इसलिए उतार लेंगे कि आत्म की स्थिति की ऐसी ऊंची स्टेज होगी तुम्हारी, जो गीता में लिखा हुआ है, सारी दुनिया का विनाश करने का निमित्त बनने वाला भी पाप का भागी नहीं बनता। तुम ऐसी आत्मिक स्टेज में डटे हुए होंगे, आत्मिक स्टेज में रह करके कर्म करेंगे और ऐसे कर्म करेंगे कि जिन कर्मों का, पाप कर्मों का भी लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। तो पावरफुल आत्माएं कौन सी हुई? रुद्रमाला के मण के भला पापात्माएं कहे जावेंगे, परंतु बाप की दृष्टि में वो पापात्माएं भी बाप का कार्य करने वाली है या अम्मा का कार्य करने वाली है? अम्मा द्वारा होगा सुखधाम का गेट खुलने का कार्य, सुखधाम की स्थापना ब्रह्मा द्वारा के शंकर द्वारा है, ब्रह्मा द्वारा। और पुरानी दुनिया का विनाश, जो दुनिया की कोई भी हस्ती, महान से महान कही जाने वाली हस्तियां, ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो भी पुरानी परंपराओं का, पुरानी समाज का, पुरानी कुरीतियों का विनाश नहीं कर सके। उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि पुरन खंडियों से टक्कर ली होती। वो कार्य कौन बच्चे करते हैं? रुद्रमाला के बच्चे करते हैं। वो अंत तक बाप के ऐसे सहयोगी बच्चे हैं जो वो कार्य करके दिखाते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने वो कार्य करने का हिम्मत नहीं की। तो जब विनाश होगा तो इस दुनिया में दो प्रकार के किले होंगे। कौन कौन से? पुण्यात्माओं के और पापात्माओं के। किले माने संगठन। आदि पुण्यात्माएं और आदि
आत्माएं बचेंगी। या पाप आत्माएं ज्यादा हो, पुण्य आत्माएं कम हो, ऐसे भी हो सकता है। क्यों, एक आध दो कम हो जाए तो नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इस बात का जवाब दो। हैं है? जोड़ी चाहिए क्यों? दुनिया का फाउंडेशन लगेगा तो सारी दुनिया में जोड़ी का ही खेल चलता है। जो जोड़ी नहीं है, जिन जोड़ी का गायन नहीं है, उनका खेल नहीं है, है? नहीं है क्यों? हाँ, जो सतयुग में जो भी देवताएं होंगे आदि में, उनमें कोई भी सन्यासी धर्म की आत्मा नहीं होगी। सब कैसे होंगे? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे। इसलिए आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे, क्योंकि जो निराकार भगवान बाप है उसको काम किससे लेना है अंत तक? है रुद्रमाला के मणकों से काम लेना है, और वो आता ही है राजयोग सिखाने। राजयोग सिखा करके पतितों को पावन बनाने के लिए आता है, राजयोग सिखा करके राजा बनाने के लिए आता है। राजा माने स्वाधीन, रानी माने है? पराधीन, आधीन। तो दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए रुद्रमाला के मणकों को? है क्या? हमारे लिए तो भगवान आता है क्या? हमारे लिए खास आता है, और दुनिया के लिए आम आता है। तो फिर अच्छी बात है ना? अपवित्रता से होता है विनाश, और विनाश का काम बाप कराता है, तो खूब अपवित्रता किए जाओ। हर्जा क्या है? है? और हम तो यहाँ बैठे ही बॉम्बे में हैं, बॉम्बे को खास बोला हुआ है, बॉम्बे है विनाशकारी, और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जिनका जो काम है अर्रात ऐसे करें है? करें कि नहीं करें? करें। अरे क्यों नहीं करें? अरे क्यों नहीं करें? जब हम बाप के स्पेशल सहयोगी है। अरे इसलिए नहीं करें कि संपन्न स्टेज होने का ये गायन है क्या? जब हमारी संपन्न स्टेज बन जाएगी मन बुद्धि रूपी आत्मा की, तो कर्म इंद्रियों से कैसे भी कार्य करेंगे, मन बुद्धि का अटैचमेंट उन कर्मों में और कर्म इंद्रियों के भोगों में नहीं लगेगा। दुनिया की दृष्टि में हम पतित होंगे, लेकिन हम अपनी दृष्टि में पतित नहीं होंगे, भगवान की दृष्टि में पतित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा को देखता है, मन बुद्धि को देखता है, या देह को देखता है? भगवान तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को देखता है। हमारा दिल साफ होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी इंद्रियों का सुख लेने के लिए कर रहे हैं,
या विनाश से दुनिया का कल्याण होगा, वो कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी संशय आता है तो पाप आत्मा है। और वैष्णव देवी का आवाहन करना है ये नहीं बोला। तो चेंज क्यों करते हो अभी अभी? है ऐसे तो नहीं कहा कि संगठित रूप से करना है, ऐसे तो नहीं कहा, व्यक्तिगत याद में हो तब ही करना है। नहीं, बैठने की याद को तो बाबा बताते हैं कि थर्ड क्लास प्रजा वर्ग में आने वालों की याद है, जो खास बैठ करके याद करने को ही ज्यादा महत्व देते हैं, या समझते हैं कि हम बैठ के याद करेंगे तब ही हम पावन बनेंगे। और बाप भी उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए आधा पौना घंटा याद में बैठाते हैं, नहीं तो हमारी कर्म योगियों की याद है या हठ योगियों की याद है। तो चाहे संगठन में बैठे हो और संगठन की याद कोई ऐसी याद नहीं है कि एक स्थान पर ही बैठ जाए तो वो संगठन है, भले अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने अपने घरों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम निश्चित हुआ पड़ा है। कोई खास पर्पज से, जैसे दुनिया में यज्ञ करते थे, अकाल पड़ता था तो सारे राज्य में यज्ञ प्रक्रियाएं की जाती थी, अनुष्ठान किए जाते थे, तो उसे संगठित अनुष्ठान कहेंगे या बिखरा हुआ अनुष्ठान है? संगठित है। ऐसे ही किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के एक ही टाइम पर अगर अपने अपने स्थान पर ही हम याद की यात्रा में बैठे, याद की यात्रा में हैं, तो वो संगठित याद है या नहीं है? है? सवाल ये नहीं है विजयमाला का आवाहन करना है तो अकेले करना है या संगठित रूप में करना है। डायरेक्शन सिर्फ ये है कि चलते फिरते उठते बैठते ये लगन लग जाए कि जो कार्य हम अभी तक संपन्न नहीं कर सके हैं, हमें सफलता नहीं मिली है, उसका मूल कारण क्या है? भक्ति मार्ग में अनुष्ठान करते हैं कि नहीं? यज्ञ कवित करें, शादियां करें, अंतिम क्रियाएं करें, तो क्या मान्यता है? अरे कोई मान्यता है या नहीं है? स्पेशल है, गांठ जोड़ी जाती है। क्या गांठ बांधते हैं पति पत्नी की? लेकिन ये जो मान्यता है वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है,
जब तक विजयमाला का आवाहन नहीं होगा और संपन्न रूप से आवाहन नहीं होगा तब तक कितनी भी ताकत लगा ले, हमें सफलता पूरी नहीं मिल सकती। इसलिए याद में रहते हुए विजयमाला को सर्च लाइट देना है। कोई स्वार्थ पूर्वक अगर करेंगे और कोई निस्वार्थ होकर के करेंगे तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा। इसलिए विश्व कल्याण के अर्थ बाबा की याद में रहते हुए विजयमाला का आवाहन करें। अकेले याद में रहें या सब मिलजुल करके स्पेशल याद का टाइम निश्चित कर लें, परंतु याद करें, कर्म करते याद करें या बैठ करके याद करें, लेकिन आवाहन करें सर्च लाइट देते हुए। क्यों? वो सर्च लाइट जो है वो अपवित्र आत्माएं पवित्र को देंगी या पवित्र आत्माएं अपवित्र को सर्च लाइट देंगी? क्या करेंगे? धीरे से बोलते हैं ताकि कहीं वीडियो में हमारी गलत बात ना पहुंच जाए। है? अरे जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं वो अपवित्र को सर्च लाइट दें, या जो जन्म जन्मांतर की अपवित्र आत्माएं हैं वो पवित्र आत्माओं को सर्च लाइट दें? है? क्या कारण है? मन कर रही है? हाँ? हाँ? अच्छा, सबसे पूछो दिल पे हाथ रख करके ऊपर वाले को याद करके कि सब कर रहे हैं। जो पवित्र आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर की वो विजयमाला की आत्माएं तो बाप को जानती ही नहीं, वो तो याद कर ही नहीं सकती। जो अपवित्र आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर के राजाएं, उनको बाप मिला हुआ है, बाप की पहचान है और बाप उनको अभ्यास कराए रहा है, तो 70 साल नहीं तो थोड़ा साल सही अभ्यास करने से प्रैक्टिस पक्की होती है या कच्ची होती है। तो जो याद करने वाले रुद्रमाला के पतितमण के भी हैं उनका अभ्यास तो पक्का है, प्रैक्टिस है याद करने की या नहीं? अगर लगाव पूर्वक याद करेंगे, कोई लक्ष्यबद्ध होकर के करेंगे
तो नंबरवार सफलता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि जन्म जन्मांतर के जो पवित्र सन्यासी हैं वो ज्यादा याद करते हैं, उनको तो पहचान ही, भले उन्होंने जन्म जन्मांतर ज्यादा पवित्रता अर्जन की है, परंतु बाप की तो उनको पहचान ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि वो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं, रुद्रमाला, वो विजयमाला की आत्माएं, जब बाप की उनको पहचान हो जाएगी और बाप की याद में टिक जाएंगी, क्योंकि पवित्र की याद छप जाती है बुद्धि में या अपवित्र आत्मा की बुद्धि में याद छप जाती है। छोटा बच्चा होता है, 7-8 वर्ष का बच्चा है, बाप को देखता है, सारे परिवार में बाबा 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 लगा पड़ा है, वो टीवी में भी देखता है और बाबा को प्रैक्टिकल में भी मान लो देखता है, तो छोटे बच्चे की बुद्धि में याद ज्यादा छपेगी या जो बड़ी बड़ी उम्र वाले परिवार के लोग हैं उनकी बुद्धि में याद ज्यादा छपेगी? वो महात्मा है, इसलिए वो विजयमाला वाली आत्माएं जब निकलेंगी तो उनकी बुद्धि में याद छप जाएगी और वो याद का सहयोग आवाहन करने वालों को भी मिलेगा। और एक व्यक्ति ने अभी भी बताया है कि ब्रह्मा शाकाहारी है और ब्रह्मा को विष्णु जो बनता है तो भी विष्णु शाकाहारी है, तो ये संपन्न तेज है ना विष्णु है, तो संपन्न तेज है, अभी अभी है। अरे लेकिन अभी क्या है, अभी संपन्न है या अधूरी है, अभी क्या है, वर्तमान में क्या स्टेज है? जवाब नहीं, ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, सबसे संपन्न है। ये विष्णु पार्टी वालों का मान्यता है कि हमारी पार्टी में जो विष्णु का पार्टधारी है वो संपन्न है, पवित्र है, बाकी सारी दुनिया अपवित्र है, इसलिए पवित्र को फॉलो करना है। लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि नियम बना हुआ है, पतित दुनिया में सब पतित ही होंगे, प्रजापिता भी पतित ही होगा कि पावन होगा, पतित ही होगा। जो सन्यासी हैं, दूरवाज खुशवाज होकर के पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो समझते हैं, उनको अहंकार रहता है कि हम क्या हैं, हम पावन हैं, उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही समझते हैं कि हमारे गुरु जी पावन हैं। लेकिन मुरली का वाक्य क्या कहता है, पतित दुनिया में सब पतित हैं और पावन दुनिया में सब पावन हैं। अभी पावन दुनिया बन गई जो विष्णु जी महाराज प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हैं? बन गई, बनी नहीं है। विष्णु जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पावन दुनिया में प्रत्यक्ष होगा या पतित दुनिया होगी? पावन दुनिया में प्रत्यक्ष होगा। विष्णु को जो पालना करनी है वो पतितों की पालना करनी है या पावन की पालना करनी है? पावन आत्माओं की पालना करनी है। घड़ी घड़ी बाप को बदलते रहते हैं, वो दोगुनों की पालना पहले करेगा कि जो बाप को पक्का पक्का पहचानते हैं, कभी दोगले नहीं बनते, उनकी पालना पहले करेगा, हैं? किसकी करेगा? जो पक्के पक्के देवी देवता सनातन धर्म के अच्छे से अच्छे हैं दुनिया की आत्माएं,
उनकी पालना करेगा। जो कभी भी कल्प में कन्वर्ट नहीं होते, यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बाप को पहचान कर, बाप के लिए निश्चय पत्र लिख करके, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख करके, और फिर बदल जाते हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से और कोई चोरी चोरी बाप बनाए लेते हैं दूसरे को। तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ जाएगा। और जो राजा ही जो शिव बाबा जो राजा ही देते हैं ना, जो संगम युग में जो हम अपना जो आत्मा समझ से जो पूछताछ करती है उसको कहेंगे, या आने वाले सतयुग में जो राजाई होगी उसको? संगम युग में जो अपन को आत्मा समझ करके पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज में पहुंचेगा, तो मन रूपी आत्मा जो 11वीं इंद्रिय कही जाती है भक्ति मार्ग में, वो 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी? तो राजा हुए कि नहीं, तो वो अनुभव नहीं करेंगे। तो पहले हम अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल को अनुभव करेंगे या दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना जैसे हम चाहते हैं वैसे चलो, हमारी बात मानो, उसको राजा कहा जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में हम सब एक दूसरे के कंट्रोलर हैं या सेवाधारी हैं? हम तो सेवाधारी हैं। आत्मा जो है जो शरीर से निकल कर बाहर आएगी, प्रवेश करेगी, ऐसा अनुभव होगा क्या हमको? जब आत्मा 5 इंद्रियों या 10 इंद्रियों के कंट्रोल करने वाली बन गई, तो इंद्रियों के परतंत्र है या स्वतंत्र है? है क्या कहेंगे? आत्मा स्वतंत्र हो गई या परतंत्र है? स्वतंत्र हो गई। जो आप आत्मा अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाली है, उनसे कंट्रोल्ड होने वाली नहीं है, उसमें ये ताकत आ जाती है कि जो पराधीन है, रावण के अधीन है, 5 विकारों और 5 तत्वों के अधीन है, प्रकृति जीत नहीं बने हैं, उनमें प्रवेश करेगी, जिनमें प्रवेश करेगी वो आत्माएं कमजोर होंगी या पावरफुल होंगी? कमजोर आत्माओं में ही पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं। और लंबे चौड़े प्रश्न ही मिले बाबा। हाँ, राजा था। है राजा था दानवे। है जो विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धारण करके तो 3 पैर जमीन आसमान। हाँ ब्राह्मण राजा थे। बामन अवतार की कथा सुनाए रे। हाँ बोलो। है इसका मतलब है छोटा रूप धारण कर लिया। क्या बड़ा रूप धारण नहीं किया? जो अपन को बड़ा समझता था दुनिया में कि हम सबसे बड़े दानी हैं, उसके सामने छोटा रूप धारण करके गया। लेकिन जो धारण करके गया छोटा रूप, वो वास्तव में बड़ा था या छोटा था? हाँ जी। बाबा वो अनुसूया माता ने ब्रह्मा विष्णु शंकर
जन्म दिया बनाया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई आत्मा ऐसी भी है 500-700 करोड़ पार्टधारियों के बीच में, जो ब्रह्मा जैसी आत्माओं की सहयोगी, विशेष सहयोगी, और शंकर जैसी आत्मा की विशेष सहयोगी, और विष्णु जैसा विशेष पार्ट न्यूट्रल बजाने वाली आत्मा की भी विशेष सहयोगी, तीन आत्माएं हैं जिनको अपनी प्योरिटी का बड़ा स्वाभिमान रहता है। वो समझती हैं कि दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी हैं त्रिदेव, देवताएं तो ऊंचे कहे ही जाते हैं, लेकिन देवताओं में भी सबसे ऊंचे तीन देवताएं हम उनकी सहयोगी शक्तियां हैं। हमसे जास्ती पवित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला, जो योगी तो सहयोगी। ब्रह्मा की सहयोगी जो देखने में आती है विशेष, जगदम्बा सरस्वती है या नहीं है? है। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, अधूरी स्टेज में पार्ट बजाया, बाप की अधूरी पहचान लेकर पार्ट बजाया, तब तक विशेष सहयोगी बनकर रही कि नहीं रही? है, रही। ऐसे ही विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, वो विशेष आत्माएं कौन सी हैं? जो विष्णु के रूप में विशेष पार्टधारी हैं, भक्ति मार्ग में भी उनको माना जाता है विशेष पार्टधारी आत्माएं, विष्णु है। अरे एक लक्ष्मी नारायण या दो लक्ष्मी नारायण? दो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु। तो दोनों जो नारायण हैं, उनकी भी सहयोगिनी शक्तियां हैं या नहीं है? हैं? कौन है? उनकी सहयोगी शक्ति पार्वती। किसकी? शंकर की पार्वती। और जो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनकी सहयोगी शक्ति लक्ष्मी। एक लक्ष्मी या दो लक्ष्मी है? अरे दो लक्ष्मी, क्योंकि संगम युग में लक्ष्मी तब ही बनती है जब जगदम्बा ऐड हो जाती है। माँ लक्ष्मी बनती है कि नहीं? और सतयुग में लक्ष्मी तब ही बनती है जब संगम युग की लक्ष्मी उसको जन्म देती है। तो त्रिदेवों की सहयोगिनी शक्तियां हैं तीन विशेष, और तीनों ही विशेष आत्माएं अपने अंदर ये समझती हैं क्या कि हमसे ज्यादा पवित्र और कोई भी संगम युग में दूसरी आत्मा नहीं हो सकती। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो बाप का संपूर्ण पार्ट है
संपन्न स्टेज वाला पार्टधारी आत्मा है उसकी सदा सहयोगिनी जगदम्बा सरस्वती बनती है क्या? बनती है? नहीं बनती है। जो लक्ष्मी का पार्टधारी विशेष आत्मा है या उनकी युति है वो सदाकाल सहयोगी बनती है क्या? अभी बाप का जो पार्ट एडवांस पार्टी में प्रख्यात हो रहा है उसमें वो सहयोगी है? नहीं है। तो सरस्वती जगदम्बा को भी नहीं कहेंगे और लक्ष्मी को भी सहयोगी नहीं कहेंगे। और तीसरी कौन बची? पार्वती। तो जो पार लगाने वाला पार्ट है वो वर्तमान में अभी एडवांस में पार्ट बजाने वाला बाप का सहयोगी है? वो भी सहयोगी नहीं है। तो तीनों मूर्तियों की जो तीन सहयोगी शक्तियां हैं, जो सहयोग देने का पार्ट है विशेष पार्ट वो सहयोगी की लिस्ट में है? है? नहीं है। मुरली में तो बताया जो योगी तो सहयोगी। तो योगी के आधार पर अव्यक्तवाणी में कौन सी आत्मा है जिसकी तरफ बार बार नाम लेके बुलाया गया है? नाम ही दे दिया है काम के आधार पर। क्या? योगिनी। और भक्ति मार्ग में यादगार भी है कि भगवान को जितनी काशी नगरी प्रिय है उतनी और कोई नगरी प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय है इतनी? क्योंकि रुद्रमाला का रुद्रमाला है ना, खासकर जन्म जन्मांतर के पतित राजाओं की माला है या पावन राजाओं की माला है? पतित राजाओं की माला है। उन राजाओं के बीच में परम पवित्र रहने वाला कोई राजा होगा या नहीं होगा? है तो दुनिया के बीज, लेकिन सारी दुनिया के जो भी बीज हैं उन बीजों में भी कोई परम पवित्र होना चाहिए। दुनिया में हर तरह का पार्टधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और बीज रूप आत्माओं में ही नहीं होगा तो विजयमाला में कहां से आ जाएगा? आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए उसका नाम है अनुसुईया। क्या? अनुसुईया का मतलब है अनुसुईयते, जो किसी से ईर्ष्या देश नहीं करती। नहीं तो क्या होता है, भला जगदम्बा का ही पार्ट क्यों न हो, उसको भी ईर्ष्या देश आता है। यादगार तिरुपति का मंदिर बना हुआ है, क्या मान्यता है? हैं? जो जगदम्बा कमल फूल के ऊपर बैठी हुई है पद्मावती कही जाती है, कीचड़ की दुनिया में रह करके उपराम हो करके पार्ट तो बजाती है परंतु उसको किससे अर्चुया होती है, किससे ईर्ष्या होती है? हैं? लक्ष्मी से ईर्ष्या होती है। पहले सरेंडर हम हुए, सारा सहयोग हमने किया,
पतित से पतित दुनिया में जो कहा जाता है उसका संग का रंग लेकर के अपनी आत्मा को नीचे हमने गिराया। ये मान्यता की बात बताई, नहीं तो असलियत ये है कि ब्रह्मा बाबा में जो शिव को याद करते थे वो पतित बनते थे या पावन बनते थे है? ब्रह्मा में जो शिव को याद करते थे वो पावन बनते थे या पतित बनते थे? पावन ही कहेंगे। और जो ब्रह्मा को याद करते थे वो पतित। वो नियम यहाँ भी लागू होगा या नहीं होगा? संग तो करते हैं, मिलन मेला तो मनाते हैं, लेकिन बुद्धि में ये बैठ जाता है कि ये दुनिया की पतित से पतित नीच आत्मा है, हम उसको प्योरिटी का सहयोग दे रहे हैं, तो पतित बनेगा या पावन बनेगा है? पतित ही बनेगा। ये अपनी अपनी भावना के ऊपर है। ऐसी घृणा की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो मन के अंदर ये मेंटेलिटी पैदा हो जाएगी, इसके घर का ना हमें खाना है ना पैसा यूज करना है, हम अपने घर से पैसा मंगाएंगे, खर्च करेंगे पर्सनल खर्च के लिए, अपने घर का आया हुआ कपड़ा यूज करेंगे, यज्ञ में जो कुछ हमको माताओं से मिलेगा वो यूज करेंगे, इसको दिया हुआ कुछ भी यूज ही नहीं करेंगे। तो भावना अच्छी हुई या खराब हुई, फल भी पैसा ही मिलता है। इसलिए जगदम्बा का जो पार्ट है तो बहुत श्रेष्ठ पार्ट, संगम युग का ऐसा श्रेष्ठ पार्ट है जो लक्ष्मी से भी ऊंची स्टेज मिलती है राजघराने में। परंतु जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना, वो पद की प्राप्ति नहीं होती। तो ये विशेषता हुई महारानी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं की कि बल परिवार में, राज परिवार में जो भी रानियां हैं, राजा के सुख चैन को बरकरार रखने वाली, उनसे उनको ईर्ष्या नहीं होगी। इतना पतिव्रत धर्म पक्का होता है कि हम सहयोगी बने हैं पति के सुख के लिए, वो सुख मिल रहा है, हमको अपमान भी अगर मिलता है तो उसमें भी हमारी खुशी है। हमारा पाप नहीं बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा पुण्य ही बनेगा। त्याग भी A to Z सारी ब्रह्मा कुमारियों को डर है, चाहे वो लक्ष्मी बनने वाली ही क्यों न हो। किस बात का, किस बात का डर है कि एडवांस पार्टी में जाकर के खिचड़ी खानी पड़ेगी, सादा से सादा कपड़े पहनने पड़ेंगे मार्किन के, मकान में कोई भी प्रकार का ऐसा साज सामान देखने में नहीं आएगा, जो भव्यता का प्रदर्शन करने वाला हो। जमीन पे सोना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात
जो दीदी दादी दादाएं हैं उनकी नजरों में क्या असम्मानित बन जावेंगे, मान मर्तबा नहीं मिलेगा। तो बहुत अंतर पड़ता है। ये सब बातें प्योरिटी में आती हैं। कोई काम इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया दूरबाज खुशबाज होकर के, क्या बाबा ने पवित्रता की यही परिभाषा बताई है? नहीं, पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है, वाचा से लेकर कर्मेंद्रियों से लेकर के अंदर की जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं ज्ञान युक्त होनी चाहिए, तब पवित्रता कहेंगे। तो अनुसुईया का जो पार्टधारी है जो तीन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, उन तीन पतियों के नामधारी से अलग पार्ट है, या तीन से कनेक्टेड पार्ट है? 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 तीन से कनेक्टेड है, ब्रह्मा से कनेक्टेड है, है? अरे अनुसुईया का पार्ट ब्रह्मा से कनेक्टेड है? अरे जोर से कोई नहीं बोलता, नहीं है। असल में जिसने ब्रह्मा का पार्ट बजाया, सहनशीलता का पार्ट बजाया, उससे भी कनेक्टेड नहीं है। विष्णु के रूप में जो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा न्यूट्रल है, उससे कनेक्टेड है? नहीं है। ब्रह्मा से भी कनेक्टेड नहीं उतना, विष्णु से भी उतना कनेक्टेड नहीं, और जिसे शंकर कहा जाता है, सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता, फर्श की दुनिया वालों से जिसका कोई भी रिश्ता इंद्रियों का नहीं है, मानसिक रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का रिश्ता हो और मानसिक रिश्ता न हो, इंद्रियों का रिश्ता तो है लेकिन मानसिक रिश्ता नहीं है, तो भी उसे फरिश्ता कहा जाएगा। तो शंकर का भी कनेक्शन में रहने वाली वो आत्मा नहीं है। शंकर पवित्र है या पवित्र है? है? शंकर तो पवित्र को कहा जाता है। वो तो ऐसी आत्मा के कनेक्शन में रहने वाली आत्मा है जिसे प्रजापिता कहा जाता है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इसलिए तीन देवताओं से अलग कोई पार्टधारी है जो उसका पति के रूप में संसार में विख्यात होता है, उसका नाम क्या है? अत्रि। जो त्रि है विशेष पार्टधारी, उनसे अलग। आ माने नहीं, त्रि माने तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन पार्टधारी जिसके पति नहीं है, उसकी भावना में वो क्या है? हाँ? बच्चे हैं, उनको भी बच्चा बना लेती है। हाँ?
क्यों कुछ विरोधी भाव पैदा हो रहा है, है? नहीं मन में आ रहा हो, जिसने पहले पहले सरेंडर कर लिया और उसको देख करके इतने बैठे हुए हैं और इतनों ने सरेंडर कर दिया, उसको नीचा दिखा दिया है? और जो बाद में निकला उसको ऊंचा कर दिया, ये तो बात ठीक नहीं है। जो बाद में ज्ञान में निकलता है वो ज्यादा त्यागी है कि जो पहले पहले ज्ञान में आ गए जब कोई सहयोगी नहीं था वो ज्यादा त्यागी है, है? पहले जो आया वो ज्यादा त्यागी होना चाहिए, उसको अष्टदेव में से भी बाहर कर दिया है। जो आठ पद हैं धर्मराज की सजा नहीं खाने वाले हैं, उन आठ पदों से भी नीचे निकल दिया। ये तो भाई अन्याय किया है, अन्याय किया या न्याय किया है? न्याय किया, ये क्या बात हुई है? हाँ, समर्पित होना कोई बड़ी बात नहीं है, समर्पित होने के बाद निभाना बड़ी बात है। लेकिन निभाने में भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंत तक निभाने वाले और दूसरे बीच में डुबोई देते हैं, मान मर्तबा डुबोई देते हैं, पार नहीं लगाते। फिर उसी हिसाब से तो पार्वती आगे होना चाहिए है? पार्वती पार लगाती है अंत तक कि नहीं है? लगाती तो है। फिर जो पार्वती का पार्ट है वो अष्टदेवों की लिस्ट में है, सूर्यवंशी है या राधा चंद्रवंशी है, है? फिर ये तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं, है? अधूरा साथ देती है, शुरू से नहीं देती है, माने जब से बात कान में पहुंचती है तब से नहीं देती, जब चारों तरफ से दबाव पड़ता है। जो भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया, तो फिर महिमा होगी या महिमा में कुछ कमी आ जाएगी? महिमा में कमी आ जाएगी। हाँ।